और अब खबर है जालौन से, जहां पर एसएनके पान मसाला कंपनी के संचालकों के घर छापेमारी की गई। आयकर विभाग ने संचालकों के घर छापेमारी की। लखनलाल सुरेश चंद्र नामक फर्म के संचालकों के घर पहुंची आयकर की टीम। पान मसाला, रियल एस्टेट और टेक्सटाइल उद्योग से जुड़े हैं इस फर्म के संचालक। उरई कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला मातापुरा से घर पहुंची आयकर विभाग की चार टीमें। आयकर विभाग टीम के साथ भारी पुलिस फोर्स भी मौजूद रहा। तो आयकर विभाग ने संचालकों के घर पर छापेमारी की है। तो आयकर विभाग की चार टीमें छापे के लिए पहुंची और उनके साथ भारी पुलिस फोर्स भी मौजूद था। लखनलाल सुरेश चंद्र नामक फर्म के संचालकों के घर आयकर की टीम पहुंची है और छापेमारी की गई। एसएनके पान मसाला कंपनी के संचालकों के घर छापेमारी। आयकर विभाग ने संचालकों के घर पर छापेमारी की है। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं जालौन से, जहां पर एसएनके पान मसाला कंपनी पर छापेमारी की गई। एसएनके पान मसाला निर्माताओं के घर छापेमारी। आयकर विभाग की चार टीमों ने छापेमारी की है। रियल एस्टेट और टेक्सटाइल उद्योग से जुड़े हैं संचालक। भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। आयकर विभाग टीम के साथ भारी पुलिस फोर्स भी मौजूद रहा है। मुवीन खान हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। मुवीन, क्या कुछ जानकारी? एसएनके पान मसाला कंपनी के संचालकों के घर पर छापेमारी की गई है, अभी आपके पास इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट है? जी, आपको बता दें, काले धन और अवैध तरीके से संपत्ति के खिलाफ योगी सरकार व मोदी सरकार बराबर इन लोगों पे कानूनी पैच कस रही है। अगर बात की जाए एसएनके गुटके वालों पे, तो इनके खिलाफ कुल मिलाकर 19 जगहों पे छापा मारा है, जिसमें पुलिस ने ऐसे आईटी टीम ने नोएडा, लखनऊ, कानपुर, उसके बाद जालौन में भी यहाँ पर इन्होंने छापा मारा है। जो इनके रिश्तेदार हैं उरई के कोतवाली के क्षेत्र के मातापुरा मंदिर के पास रहते हैं, उनके यहाँ छापा मारा है। 24 घंटे बीत जाने के बाद भी आईटी बराबर छापे मार रही है अभी। और आईटी के कुछ अधिकारियों से मीडिया कर्मियों ने बात करना चाहिए तो जो उनके अधिकारी आए वो मीडिया से बसते हुए, कैमरों से बसते हुए नजर आए अभी तक। हाँ, हालांकि अगर बात की जाए अभी कोई जानकारी हम लोगों को नहीं मिल पा रही है कि इसमें इन्होंने क्या कार्रवाई की है। जी बिल्कुल, आपसे मूवीन यहाँ पर ये समझना चाहेंगे, जो संचालक थे कंपनी के संचालक, उन पर किस तरह के आरोप लगे, जिसके बाद आयकर की विभाग की चार टीमें वहां पर पहुंचकर छापेमारी की गई, क्या कुछ आरोप लगे हैं? जी, जो एसएनके गुटका कंपनी है, जो एक कंपनी ब्रांड गुटका है जिसका एसएनके के नाम से चलता है, वो उसके बावजूद भी इनका पहला छापा गया नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर के बाद जब इनके संचालकों के तार यहाँ जालौन में भी जुड़े होने के बावजूद, तो इनके एक रिश्तेदार के यहाँ गौरव गुप्ता के घर पे छापा मारा गया, जिसमें एसएनके। चलिए ठीक है मुवीन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।